भारत में देखा जाए अभी फिलहाल काफी गिरी चुनी ही ऐसी आपको कंपनीज मिलेगी जो पीसीबीएस को मैन्युफैक्चर करती हो। लेकिन अब यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी ने काफी बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अब रेक्सम के साथ टाइप करने वाले हैं, पार्टनरशिप करने वाले हैं, सो दैट ये लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स फॉर एयर कंडीशंस फिर डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट के लिए मैन्युफैक्चर कर पाए। और अपने आप में ही ये एक काफी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होगी। नाउ ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी है ऑलरेडी इन्हें पीएलआई स्कीम के तहत अप्रूवल भी मिल चुका है अंडर वाइट गुड कैटेगरी। और होपफुली इस जॉइंट वेंचर के तहत न केवल भारत में ये लोग इंटरनेशनल मार्केट को भी टारगेट करना चाहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के मामले में। इसके अलावा भी यहाँ पर तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने बोर्ड के साथ भी पार्टनरशिप की है, टाइप किया है। एंड नाउ अब ये लोग का ऐसा प्लान है कि आने वाले कुछ साल के भीतर इन नेक्स्ट 4 ईयर्स ये लोग 1000 करोड़ रुपीज के प्रोडक्शन वैल्यू को क्रिएट करना चाहते हैं। वैसे वायरलेस ऑडियो प्रोडक्ट्स के मामले में बोट भी एक काफी सक्सेसफुल कंपनी रही है भारत के भीतर, लेकिन डिक्सन और बोट ये जो पार्टनरशिप हुआ है इनका अब नया टारगेट है कि ये एक फास्टर एबिलिटी लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा स्केल अप कर देंगे विद देयर लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज भले ही बोट भारतीय कंपनी थी लेकिन काफी हद तक इनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही हो रही थी एंड उसके बाद ये लोग फिर भारत के भीतर शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन अब से ये लोग इंडिया के भीतर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना चाहते हैं यूजिंग नेक्स्ट जनरेशन लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स की लिंक चेकआउट कर सकते हो।